हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। द सेट ओ ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स अंडर एडिशन इज ग्रुप है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर सॉल्यूशन। कल के लेक्चर में किया था सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज ग्रुप, सॉरी कल के लेक्चर में किया था सेट ऑफ इवन इंटीजर अंडर एडिशन इज ग्रुप। आज 24th का सेकंड पार्ट, सेट ऑफ ऑड इंटीजर। सेट ऑफ ऑड इंटीजर डिनोट ऑड इंटीजर एज ओ 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका सेट ऑफ ऑड इंटीजर 2n प्लस 1, एवरी इंटीजर ऑड इंटीजर इज ऑफ द टाइप 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सपोज कीजिए n 1 देन 2 प्लस 1 3, सपोज कीजिए n 2 देन 5, सो ऑड नंबर। सो वी हैव टू प्रूव सेट ऑफ ऑड इंटीजर ग्रुप और नॉट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ओ, सो x इज ऑफ टाइप 2n1 प्लस 1, वेयर n1 इज इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर। y इज आल्सो ऑफ टाइप 2n2 प्लस 1, n2 बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ अंडर एडिशन 2n1 प्लस 1 प्लस 2n2 प्लस 1, विच इम्प्लाइज 2n1 प्लस 2n2, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 इज कॉमन n1 प्लस n2 प्लस 1, विच इज इवन नंबर। 2 into something is even number. n1 is integer, n2 is integer, 1 is also integer, and sum of integer is also integer. So 2 into some integer is even number. Multiple of 2 is even integer. So does not belongs to set O, because O contain only odd numbers. But x plus y is even number. So x plus y does not belong to this set O. That's why. So x, y belongs to O implies x plus y does not belong to set O, which implies closer property not hold. Closer property not hold. Hence, we can say set O is not group. So, first property not hold, that's why O is not group. अब हम करेंगे next question. हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 21 के स्टेटमेंट पढ़ें। शो दैट द सेट जी ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन, अंडरलाइन कर लीजिए, रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन 0, 1, जी of all real valued continuous function defined on 0, 1, important.
इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन डिफाइंड एज एडिशन को कैसे डिफाइन किया एफ प्लस जी एक्स एफ एक्स जी एक्स फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू जी कॉम्पोजिशन एडिशन कॉम्पोजिशन एडिशन एडिशन करने का मेथड एफ प्लस जी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू जी एंड वी हैव टू शो जी इज ग्रुप जी इज एबिलियन ग्रुप सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे पहले सेट जी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए एफ सच दैट एफ एक्स रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूज फंक्शन डिफाइंड ऑन जीरो वन और यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन सेट जी कंटेन एलिमेंट ऑफ द टाइप एफ एफ एक्स कंडीशन इज एफ एक्स रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूज फंक्शन डिफाइंड ऑन जीरो वन दैट इज एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन एफ इज एफ जी कंटेन एलिमेंट ऑफ द टाइप एफ ई एच एंड सो ऑन वेयर एफ एक्स रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूज फंक्शन एंड एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन और जू कैन से डिफाइंड ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल जीरो वन सो वी हैव टू प्रूव जी इज अबिलियन जी इज एन अबिलियन ग्रुप सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी लेट एफ जी belongs to G. F and G belongs to G. Which implies F X G X are real valued continuous functions defined on 0, 1 or you can say x belongs to 0, 1. If f belongs to g, then f x real valued continuous function defined on 0, 1. If g belongs to capital G, then gx is real valued continuous function. Now, F plus G closure property F plus G X is equal to F X plus G X given F plus G X F X plus G X and F X and G X are real valued continuous function and sum of two real valued continuous function is again real valued function that's why fx plus gx is real valued continuous function which implies f plus g belongs to g because sum of two real valued continuous function in 0, 1 is again real valued continuous function in 0, 1. That's why F plus G belongs to G. That's why F plus belongs to G.
सेकंड प्रॉपर्टी एक बार दोबारा समझ लीजिए, दो एलिमेंट उठाए सेट जी से, एफ एंड जी फ्रॉम सेट जी, देन कंडीशन इज एफ एक्स जी एक्स रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 1, देन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हाउ टू ऐड टू रियल वैल्यूड फंक्शन एफ प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, रियल वैल्यूड प्लस रियल वैल्यूड, सम ऑफ टू रियल वैल्यूड इज अगेन रियल वैल्यूड, दैट्स वाई एफ प्लस जी बिलोंग्स टू जी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लेट एफ जी एच belongs to G implies fx gx hx are real valued continuous function defined on 0 1, fx gx, fx gx hx are real valued function. Now f plus g plus h operate करोगे x के साथ, which is fx plus जी प्लस एच एक्स, ब्रैकेट को एक साथ लिखेंगे, एफ एक्स फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एफ एक्स प्लस जी प्लस एच एक्स, बाय प्रॉपर्टी दिस विच इज गिवन. फर्दर एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स इन साइड ब्रैकेट, देन f plus g plus h of x, f plus g x h x, further f x plus g x by using this property which is given, plus hx. Now equation number first not is equal to equation number second, but fx gx hx are real and continues defined on 0 1, so associative law fold in real numbers, associative law fold in real numbers, so you can write as fx plus gx plus hx fx gx is equal to fx gx plus hx. What is the reason? Because associative law hold in reals. Now from equation number second further ki likhoge, from equation number first and second, f plus g from first and second,
एफ प्लस जी प्लस एच एक्स विच इज़ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच ऑफ एक्स इक्वल विच इम्प्लाइज एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच एंड स्मॉल एफ जी एच आर एलिमेंट्स ऑफ जी स्मॉल एफ जी एच आर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल जी दैट्स वाई एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन सेट कैपिटल जी विच इम्प्लाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन जी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। नाउ प्रॉपर्टी थर्ड करेंगे। प्रॉपर्टी थर्ड विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। लेट एफ बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट विच इम्प्लाइज एफ एक्स इज रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूज फंक्शन डिफाइंड ऑन 0, 1 और जो कैन राइट एक्स बिलोंग्स टू 0, 1। देयर एग्जिस्ट आपको फाइंड करना होगा दैट एलिमेंट सच दैट वो कौन सा एलिमेंट होगा आंसर ऑपरेट करने के बाद एफ ही मिले दैट इज़ जीरो एलिमेंट। सो जीरो इज आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट जीरो कैन बी रिटन एज जीरो ऑफ एक्स विच इज़ बिलोंग्स टू जी। जीरो देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू जी बिकॉज जीरो एक्स इज रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूज फंक्शन इन 0, 1 सच दैट एफ प्लस जीरो ऑपरेट कर दीजिए एक्स के साथ एफ एक्स प्लस जीरो एक्स एफ एक्स प्लस जीरो एक्स विच इज़ एफ एक्स। हाँ जी फर्दर एफ एक्स प्लस जीरो जो कैन से विच इज़ एफ एक्स। सो एफ प्लस जीरो एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स विच इम्प्लाइज एफ प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं एफ प्लस जीरो प्लस एफ इज इक्वल टू एफ विच इम्प्लाइज जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। सो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फर्दर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसके साथ ही शो हो जाएगा जी इज ग्रुप बट वी हैव टू प्रूव जी इज अबिलियन ग्रुप एंड कम्यूटेटिव लॉ भी प्रूव करना होगा।
प्रॉपर्टी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लेटर एफ बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट. इफ एफ बिलोंग्स टू जी देन कंडीशन इज एफ एक्स इज रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन और यू कैन से रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन जीरो वन. देयर एग्जिस्ट माइनस एफ विच बिलोंग्स टू जी बिकॉज माइनस ऑफ एफ एक्स इज आल्सो रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूज फंक्शन इन जीरो वन. बिकॉज इफ एफ एक्स इज रियल देन माइनस एफ एक्स आल्सो रियल. इफ एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूज देन माइनस ऑफ एफ एक्स इज आल्सो कॉन्टीन्यूज. That's why minus f also belongs to g, such that f plus of minus f operated by x which is equal to fx plus minus of fx further एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स विच इज जीरो ऑफ एक्स विच इज जीरो ऑफ एक्स. सो एफ माइनस एफ एक्स इज जीरो एक्स देन एफ प्लस माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली बड़ी इजिली आप प्रूव कर सकते हैं कि माइनस एफ प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज एफ इज माइनस एफ इज इनवर्स ऑफ एफ और यू कैन से इनवर्स ऑफ एफ इज माइनस एफ. इनवर्स ऑफ जी इज माइनस जी. इनवर्स ऑफ एच इज माइनस एच एंड सो inverse of each element exists. So G is a group. But we have to prove G is an abelian group. So property axiom फिफ्थ कम्यूटेटिव लॉ. प्रॉपर्टी फिफ्थ कम्यूटेटिव लॉ लेट एफ जी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज एफ एक्स जी एक्स आर रियल वैल्यूड continuous function defined in 0-1 closed interval. Now f plus g of x fx plus gx given. But fx, gx are real numbers and continuous. fx and gx are real numbers. And commutative law hold in real numbers. 4 में 5 add कर लो,
चाहे 5 में 9 ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन रियल बिकॉज एफ एक्स जी एक्स आर रियल्स एंड कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन रियल्स. आगे पीछे लिख सकते रीजन. व्हाट इज रीजन? बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन रियल्स, होल्ड इन रियल्स एंड एफ एक्स जी एक्स आर रियल्स. दैट्स वाई एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ एक्स. फर्दर जी प्लस एफ एक्स. नाउ एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जी प्लस एफ एक्स. इट इम्प्लाइज एफ प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस एफ. सो एफ प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस एफ एंड एफ जी आर एलिमेंट्स ऑफ जी. सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन जी. सो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन जी. कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन रियल्स, जहाँ पर रियल लिखना रियल ही लिखना, बिकॉज एफ एक्स डी एक्स आर रियल. स्मॉल एफ एंड जी आर एलिमेंट्स ऑफ जी, जहाँ पर कम्यूटेटिव होल्ड इन जी ही लिखना. हेंस जी इज एन अबिलियन ग्रुप. सो जी इज एन अबिलियन ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7b. एंड वी हैव टू शो दिस सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1-1 एंड वी हैव टू शो जी इज एन इन फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, इज एन फाइनाइट अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. वेरी सिंपल. कंपोजिशन टेबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1-1 1-1 1-1 1-1 एंड 1. फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट यू हैव टू डू. फ्रॉम कंपोजिशन टेबल देखिए, one into minus one, and -1 into 1 is again -1. So closure property hold. आप सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, उन पर ऑपरेशन लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन का, एंड जो सी जो आंसर आएगा वो सेट जी से ही आ रहा, वो जी से ही आएगा. दैट्स वाई क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, वो जी से ही आएगा. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 4 विच बिलोंग्स टू सेट जी. दैट्स वाई क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड. नाउ सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ. जहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि तीन एलिमेंट हो चाहिए, बट वी हैव ओनली टू एलिमेंट्स, तो आप ऐसे भी उठा सकते हो ना. चाहे आप
तीनों वन वन उठा लो, तीनों वन वन उठा लो, एंड यू कैन से वन इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू वन इंटू वन, एंड क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर दीज थ्री एलिमेंट्स। आप ऐसे भी उठा सकते हो माइनस वन माइनस वन माइनस वन बिलोंग्स टू जी, तीनों सेम ही तो उठा सकते हो ना। सो माइनस वन अगेन माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, इनका आंसर भी सेम आएगा। आप ऐसे भी उठा सकते हो वन माइनस वन माइनस वन, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होगी। सो ऐसे भी उठाओगे इस केस में भी होल्ड कर जाएगा, इस केस में भी आंसर सेम आ जाएगा। आप ऐसे भी उठा सकते हो माइनस वन वन वन, ऐसे भी उठा सकते हो, आप ऐसे भी उठा सकते हो माइनस वन माइनस वन वन बिलोंग्स टू जी एंड सो ऑन। सो एसोसिएट वाला होल्ड इन ईच केस, एसोसिएट वाला होल्ड इन ईच केस। क्लियरली एसोसिएटिवला होल्ड इन जी, बिकॉज फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड। इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई भी तीन एलिमेंट उठाइए, कोई भी तीन, वो सेम ही हो सकते वन 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 डिफरेंट भी, यू कैन चूज एनी थ्री एलिमेंट। सो एसोसिएटिव ला होल्ड। नाउ प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्लियरली फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वन को वन से मल्टीप्लाई किया आंसर वन, माइनस वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर वन, दैट्स वाई वन इज आइडेंटिटी। फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल वन इंटू वन इज वन, माइनस वन इंटू वन इज अगेन माइनस वन, सो वन इज आइडेंटिटी, वन इज आइडेंटिटी इम्प्लाइज वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आइडेंटिटी, वन इज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर वन, वन 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 विच इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ वन इज वन। नाउ माइनस वन को मल्टीप्लाई किया माइनस वन से, आंसर इज वन विच इज आइडेंटिटी, सो इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन इज आइडेंटिटी विच इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस वन, सो इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस वन। इनवर्स ऑफ वन इज वन,
इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस वन, सो बोथ आर सेल्फ इनवर्स, सो बोथ आर सेल्फ इनवर्स, वन वन का इनवर्स एंड माइनस वन इज आल्सो इनवर्स ऑफ वन, सो बोथ आर सेल्फ इनवर्स. सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, कितने एलिमेंट थे, टू, सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट विच इम्प्लाइज जी इज अ ग्रुप एंड जी हैज ओनली टू एलिमेंट्स इम्प्लाइज, सो जी इज अ फाइनाइट ग्रुप. अबिलियन भी शो करना, अबिलियन भी शो करेंगे. कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी नंबर फाइव, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन इंटू वन. सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, वन इंटू वन, वन इंटू वन, वो तो हो गई. सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इम्प्लाइज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन जी, हेंस जी इज फाइनाइट अबिलियन ग्रुप विच इम्प्लाइज, हेंस जी इज एन, जी इज एन फाइनाइट अबिलियन ग्रुप. सो जी इज एन फाइनाइट अबिलियन ग्रुप. ये था आज का लेक्चर. अगले लेक्चर के लिए आपको थोड़ी वेट करनी होगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट आल्सो यूनिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट. सो थैंक यू.